आवाज तो नागरिक कल्याण मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर ज्वाइन करके भाग जाते हैं, ये उसमें डालेंगे ना पॉइंट कि आते तो है लेकिन ज्वाइन करके भाग जाते हैं। उसमें लेबर रहती है, मुझे मुझे जैसा मेरी हमारी जानकारी में है उसमें लेबर रहती है। इधर हमारा पूरे बॉडी में प्रचारित करके था, बॉडी में अंदर बोल रहा है बोल रहे क्या है क्या है बताइए आप बोल रहे हैं बोल रहा हूँ हम उनसे नहीं मिलेंगे, हम आपसे मिलेंगे नोनी को आइए मतलब मैं लोगों के साथ तो उनका डॉक्टर उनको पहुंचना है वहाँ पे तत्काल। दूसरा ये बताया गया कि जो जन औषधि केंद्र है वहाँ पे जो है दवाएं नहीं है। तीसरा अतिक्रमण की समस्या, देखिए इसमें जो जहाँ तक फिजिशियन का वहाँ पे फिजिशियन की मेन डिमांड ये थी फिजिशियन हमको चाहिए, टोटल उनका रिटर्न भी आया है तो उनको हमने प्रस्ताव भेज भी रखा है शासन को और इसको हम जो है जल्दी ही एक हफ्ते में उसको करवा देंगे। अगर वो चाहना चाहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके अतिक्रमण और ये जो समस्या बता रहे जन औषधि की तो इसके लिए तो हमारा प्रशासनिक अमला इसको देखना चाहिए था तो हम अपने डायरेक्टर गरवाल को हमने निर्देशित किया है कि और CMS को ये कड़ा पत्र देखें और चेतावनी दें कि डॉक्टर जो है सिर्फ जेनेरिक दवाएं और अपने वहाँ जो उपलब्ध हैं वही दवा लिखें। और रही कुछ डॉक्टरों की शिकायत की आई कि वो रहते नहीं हैं, उसके बारे में भी मैंने ये निर्देश दिया कि छापामार कार्रवाई करके जो एब्सेंट डॉक्टर है उनके खिलाफ दुरुस्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमको लिख के भेजेंगे, हम कार्रवाई कहा कि भाई आप डॉक्टर भेज दीजिए, हम अपना आंदोलन स्वतः स्थगित कर देंगे। तो हमें आशा है कि अभी हम उनके एक हफ्ते तक इंतज़ार करेंगे और आंदोलन तो हमारा जारी रहेगा। यदि एक हफ्ते के सप्ताह के बाद अमित रोहतरा जो स्वेच्छा से पहाड़ में अपनी सेवा देना चाहते हैं और उन्हें अपने रिज्यूम भी यहाँ दिया हुआ है, अपना प्रार्थना दिया हुआ है यहाँ पे, वो स्वयं भी डीजी हेल्थ को मिले हैं, यदि उनके आदेश नहीं होते हैं क्योंकि शासन स्तर पे मतलब लंबित है, उनके स्वीकृति मिलने के बाद भी यदि आदेश डीजी महोदय से नहीं होते हैं तीसरा आंदोलन हम और उग्र कर देंगे।